क्वेश्चन सेज अ बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड वी नॉट. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी वी वन. फॉर हाफ द टाइम द वेलोसिटी विद वेलोसिटी वी टू. फॉर द अदर हाफ टाइम फाइंड द मेन वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन. फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप क्वेश्चन की मैपिंग करिए. देखो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करनी है मैपिंग. क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है अ बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन बनाओ. ये रही मेरी स्ट्रेट लाइन. ओके. ट्रेवर्स्ड वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस को जो आपने बनाया लाइन को हाफ कर दो. सपोज ये डिस्टेंस x है राइट और ये डिस्टेंस भी x ही है. ओके, हाफ हो गया डिस्टेंस. वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v नॉट. सो जो फर्स्ट डिस्टेंस ये चल रही है बॉडी, ये फर्स्ट डिस्टेंस जो चल रही है ये v नॉट स्पीड से चल रही है. सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे स्पीड v नॉट है राइट. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी वी वन. सो रिमेनिंग पार्ट जो है वो वी वन वेलोसिटी से कवर किया गया. सो यहाँ से जो स्पीड हो गई हाफ टाइम पे, हाफ डिस्टेंस चलने के बाद वो हो गई वी वन. फॉर हाफ टाइम. ओके, फॉर हाफ टाइम. इसका मतलब कि सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी. बी से सी पे जाने में जितना भी टाइम लगता है, मुझे नहीं मालूम, मैं मान लेता हूँ कि बी से सी तक जाने में टी टू टाइम लगता है और ए से बी में जाने में टी वन टाइम लगता है राइट. अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब बॉडी बी से सी पे जा रही है तो उसकी स्पीड वी वन हो जाती है कुछ टाइम के लिए. ओके, जो कि हाफ टाइम है बी से सी का. अब बी से सी का टोटल टाइम है टी टू, टी टू का हाफ हो जाएगा टी टू बाई टू. तो यानी कि बॉडी बी से किसी पोजीशन डी तक टी टू बाई टू टाइम तक ट्रेवल करती है. ओके, फॉर हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी वी टू फॉर द अदर हाफ टाइम. बाकी जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम के लिए उसकी स्पीड हो जाती है वी टू. मुझे नहीं पता कि वी वन बड़ी है कि वी टू बड़ी है स्पीड. अगर स्पीड वी वन बड़ी होगी राइट, तो टी टू बाई टू टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो जाएगा. सिमिलरली अगर वी टू बड़ी होगी, अगर वी टू बड़ी होगी तो D से C में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा इतने ही टाइम में राइट. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द मीन एवरेज विल ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो मीन बोला ना निकालने के लिए. सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? ए से सी तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक 2x. टोटल टाइम कितना? ए से बी तक टी वन और बी से सी तक टी टू. अच्छा, अभी क्या करेंगे? टी वन टी टू को निकालेंगे. T1 T2 को फाइंड करते हैं. अब हम T1 की वैल्यू क्या होगी? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये आ गया T1 कॉमा T2. टाइम चाहिए मेरे को, तो T2 टाइम निकालने के लिए देखो क्या करेंगे. सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ कि B से D तक का जो डिस्टेंस है BD और D से C तक का जो डिस्टेंस है DC वो टोटल x के बराबर है कि नहीं. अब
बी डी क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बी से डी तक, वी वन है, टाइम कितना लग रहा है, टी टू बाई टू। सिमिलरली डी से सी तक स्पीड कितनी है, वी टू है, टाइम कितना लग रहा है, सेम टाइम टी टू बाई टू इक्वल्स टू एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करो, टू टू को राइट हैंड साइड ले जाओ और टी टू को कॉमन ले लो, सो टी टू कॉमन, ब्रैकेट में आएगा वी वन प्लस वी टू इक्वल्स टू टू एक्स। तो टी टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से, टी टू इज इक्वल्स टू टू एक्स बाय वी वन प्लस वी टू, राइट। तो ये हो गया मेरा टी टू, ये मेरा टी टू और ये मेरा टी वन, ठीक है। किसी बच्चे का नाम टी टू तो नहीं है, ओके। सो राइट, टी वन और टी टू की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये उठाओ यहाँ रख दो, इसको उठाओ यहाँ रख दो, राइट। चलो उठाओ अब, सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टू एक्स अपॉन टी वन एक्स बाय वी नॉट प्लस टी टू। अरे ये क्या बन गया, टू एक्स अपॉन वी वन प्लस वी टू, राइट। न्यूमिरेटर में भी है भैया x, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में भी है भैया x, x x कॉमन, तो इसका इसको कैंसिल कर दो, राइट। क्या बचेगा, टू अपॉन वन बाय वी नॉट प्लस टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। अब तो सॉल्व करना रह गया, मैथ्स रह गई भैया, फिजिक्स तो कंप्लीट। तो टू अपॉन, नीचे ले लो पहले एलसीएम, वी नॉट मल्टीप्लाई बाय वी वन प्लस वी टू, वी नॉट कैंसिल, आएगा इधर वी वन प्लस वी टू, प्लस लगाओ वी वन प्लस वी टू कैंसिल, टू वी नॉट आ गया इक्वल्स टू, लगाओ टू वी नॉट अपॉन टू वी नॉट इंटू, इसको यहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। वीडियो अच्छी लगी आपको, क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।